नमस्कार दोस्तों, केशव ट्रेडिंग कंपनी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चाय व्यापार से जुड़ी बातें हम इस चैनल पे करते रहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लेंगे कि अगर अभी कोई नया चाय का व्यापार स्टार्ट करना चाहता है और वो भी अगर पैकेजिंग में आना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाय व्यापार अभी स्टार्ट कर रहे हो और पैकेजिंग में कर रहे हो, यानी कि अपनी खुद का ब्रांड बना के और पैकेट्स अपने बनवा के और आप चाय व्यापार स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम हो सकता है। उसके पीछे के जो रीजंस हैं मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करूंगा। आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि इस टाइम पैकेट में आप चाय व्यक्ति का व्यापार शुरू कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपके लिए हो सकते हैं। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको फायदे होने वाले हैं अगर आप अभी सोच रहे हैं चाय व्यक्ति का व्यापार करने की, और वो भी पैकेटिंग में करने की, रिटेल में। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए है मेरे पास, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अगर आप अभी स्टार्ट करते हो। अभी स्टार्ट करने का फायदा यह है कि अभी जो चाय पत्ती का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, टी बिजनेस, वो जो चाय पत्ती के जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पे हैं अभी। और आप किसी भी ब्रांड की चाय पैकेट्स देख लीजिए, आप जो भी चाय पीते होंगे, आपके एरिया में जो भी चाय चलती होगी, एक्स वाई जेड आपने आज तक देखा होगा, उनके जो रेट्स हैं वो फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। वो इतने चेंज हो गए हैं कि आपके आसपास के जो दुकानदार होल जो जो कि रिटेलर्स हैं और जो लेने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा संकट हो गया है कि अचानक कोई चीज़ अगर 200 की मिल रही थी वो सीधे 280 रुपए की कैसे लें हम, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। कोई भी हो, एक्स वाई जेड कस्टमर हैं, आज मैं भी, हम आप सब हैं, तो उनके लिए भी ये थोड़ी सी दिक्कत है कि अचानक चाय में ऐसा क्या हुआ कि इतना रेट्स बढ़ गए। तो यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि आप चाय लेके और पैकेट को अगर आप सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं इस टाइमिंग में, आप अगर कोई भी ब्रांड से थोड़ा सा नीचे अपने दाम रख के, क्योंकि देखो ब्रांड्स के साथ क्या होता है, वो चाय तो अच्छे रखते ही रखते हैं लेकिन उनके दाम जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका पैकेट अगर 400 रुपये का बिक रहा है तो कुछ 350 रुपये चाय डालते हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, किसी ब्रांड के साथ नहीं है। आप कंपेयर करा लेना, आप इस टाइप के ब्लेंड अगर आपके आसपास कोई है ब्लेंड जो करता है माल को, या कोई है होलसेलर जो कि ब्लेंड करके आपको माल देता है, तो आप उनके पास वो चाय लेके जाएं, आपको वही चाय उससे कम रेट में आपको बना के ब्लेंड बना के बताएंगे वो कि देखिए सर। तो ये चीज़ें हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक मौका है कि आप थोड़ा सा माल लेके और उसको पैकेटिंग को अभी अगर आप मार्केट में डाल देते हैं उससे कम रेट में, और एक बार अगर लोगों को लगता है कि हाँ आपके माल ठीक ठाक है, आपका जो प्रोडक्शन जो कि है, आपका प्रोडक्ट जो है वो ठीक ठाक है, क्वालिटी अच्छी है, रेट्स आपके बहुत ही अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं चलने की 100% संभावना बन सकती है। और अगर अभी आपका माल चलता है तो आने वाले टाइम में अगर ब्रांड्स वाले पैकेट सस्ते भी होंगे तो आप वाले पैकेट पे ही एग्जिस्ट करेगी, जो कि लोकल कस्टमर जो भी रहेंगे, जितनी आपकी सेल सेट हो चुकी होगी अपने एरिया में, जिन जिन जगह पे आपके काउंटर बन चुके होंगे जहाँ पे आपका ही माल जाएगा, तो आपको आगे उस चीज़ का बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि चाय आपके भी लिए सस्ती होगी उस टाइम पे। अगर जब पैकेटर्स अगर अपने रेट सही करेंगे तो चाय, इसका मतलब कि लूज टी बहुत सस्ती हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको पैकेट में जो चाय डालोगे वहाँ पे भी आपको उस चीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। तो अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके एरिया में कोई भी है ब्रांड जो कि 300, 350, 400 रुपये केजी का पैकेट अगर चल रहा है, तो वहाँ पे आप ऐसा बिठाइए, किसी भी अच्छे होलसेलर से आप संपर्क करिए और उनको बोलिए कि मेरे एरिया में इस टाइप का माल चलता है, आप मुझे इसके कंपेयर का, हल्का रहेगा, ऐसा नहीं है मैं कहूँ बराबर, ऐसा कहीं नहीं होता, उसके एरिया में जो भी चलता है उसके आसपास का माल बना के वो आपको देंगे और आप उसको चलाना स्टार्ट करिए, एरिया में चलाना आप स्टार्ट करिए। उसके बाद में ये अपॉर्चुनिटी है आपको, लॉकडाउन में अगर आप बहुत सारे काउंटर्स अगर सेट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। आने वाले टाइम में वो जो काउंटर्स हैं, हो सकता है कि सारे आप ही के सेट रहें और आपका ही माल उन काउंटर्स पे जाता रहे, तो इस टाइम कहीं पे भी आप अपना माल लेके जाओगे, रेटें इतनी हाई हो रखी हैं कि जो पैकेटियर्स ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे थे उस एरिया में, जो भी ब्रांड थे एक्स वाई जेड, जिनके बहुत सारे नाम होते हैं ब्रांडों के, किसी का भी नाम मैं अभी ओपन नहीं कर सकता, तो जिन ब्रांड आपके एरिया में जो जो ब्रांड चल रही हैं आप उनके रेट्स को कंपेयर करिए एक बार अपने प्रोडक्ट के साथ में, और सामने वाले को बोलिए भैया देखो आप, मैं ये देखे जा रहा हूँ माल, आप टेस्ट करिए, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं हूँ इस क्वालिटी के आसपास तो आप लीजिए हमारा माल, हमारा माल इस रेट में है, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की आपका माल चलेगा उस एरिया में, इस टाइम के जो रेटें हैं उनको देखते हुए चलेगा, और अगर आप रेट के साथ में अगर क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाए उनको, तो आने वाले टाइम में आपके काउंटर पे वही, उनके काउंटर पे आपका ही माल चलने वाला है, जिस एरिया में आप लेके जाओगे आपका उस एरिया में आपका ही माल चलने वाला है, गारंटी है इस चीज़ की।
तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप पैकेट में अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका नाम से ब्रांड चलाना चाहते हैं, तो कम टाइम, आपको बहुत कम एफर्ट लगाने की जरूरत है इस टाइम, क्योंकि कंपटीशन इतना है मार्केट में और कंपटीशन बहुत कम है इस टाइम मार्केट में। आप दोनों चीज़ों पे रखिए, कंपटीशन है मार्केट में, अपन को पता है बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ काम कर रहे हैं मार्केट में, चाय पत्ती में बहुत सारे प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, लेकिन अभी दिक्कत ये है उनके साथ में कि वो अपनी जो रेट है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ा चुके हैं। किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, सबकी रेटें बहुत बढ़ चुकी हैं, तो कस्टमर कहीं ना कहीं एक बार आपके चीज़ पे जरूर बिलीव करेगा, एक बार जरूर विश्वास दिखाएगा, और अगर उसको लगता है कि हाँ आप ठीक हैं, आपके रेट्स अच्छे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा अच्छा है, जरूर वो आपको विश्वास दिखाएगा और वो जरूर आपकी सेल बढ़ेगी वहाँ पे उस एरिया में, गारंटी है इस चीज़ पे। तो आप करिए स्टार्ट उस चीज़ को आपके एरिया में जहाँ पे भी है, और जितना ज़्यादा आप अभी एक्सपेंड कर सके अपनी प्रोडक्ट को उतना करिए, ताकि आने वाले टाइम में उसका आपको बेनिफिट मिल सके। जिन जिन काउंटरों पे महंगे माल जा रहे थे, वहाँ पे आप अगर अपना 20-30 रुपए भी कम रख के अगर आप सेल कर रहे हो, इस टाइम आपकी धड़ाके से सेल होगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे अच्छे बड़े बड़े किराना स्टोर वालों को आप माल दो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइम रेट इतने बढ़ गए हैं, आप जाओ खुद देखिए दुकानों पे जाके, मॉल्स में आप जाके देखिए रेट, चाय पत्ती के रेट्स क्या चल रहे हैं। तो ये थी आपके लिए अपॉर्चुनिटी, अगर पैकेट्स में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये नहीं देखना इस टाइम कि चाय के रेट इतने बढ़े हुए हैं, मैं कैसे दिक्कत में आ जाऊंगा अगर मैं चालू कर दिया। कुछ नहीं होने वाला, आप करो, मैं कहता हूँ स्टार्ट करो अभी, बढ़िया अपने पैकेट्स बनवाओ, अच्छे ब्रांड बनवाओ, माल लो ब्लेंड करा हुआ अच्छा सा, और जो भी आपके रेट एरिया में जो रेट चल रहे हैं, ग्रेड चल रहे हैं, उस रेट के अकॉर्डिंग अपने रेट्स मार्जिन सेट करके और सप्लाई स्टार्ट कर दो आप। गारंटी है इस टाइम आपको कोई ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका प्रोडक्ट चल पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज के आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की सूचना। तो अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप चालू करिए प्रोडक्ट। और आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कमेंट्स जरूर करते रहें, हम एक एक कमेंट्स को चूज करते हैं और उसके बाद उसी टॉपिक पे वीडियोस जरूर बनाते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, आने वाली वीडियोज आपको बराबर मिलती रहे। और इस टाइप की सूचना में आपको कुछ और भी मॉडिफिकेशन चाहिए, किसी प्रकार की और ऐसी वीडियो चाहिए जो कि आपको थोड़ा सा नॉलेज में लाना है, तो आप हमें कमेंट करके बताते रहें, हम टाइमली उन चीज़ों को सिलेक्ट करते हुए उन टॉपिक्स पर वीडियो बना के और आपके साथ शेयर करते हैं।